देखिए आज का दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको एक तरीके के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी माननीय न्यायालय का आदेश है, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश किया, आप सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो आरोप है, जो अपराध है, वो अपनी जगह पर कायम और उस पर अभी चलेगा, कार्रवाई चलेगी, एजेंसियां काम कर रही है। उत्तराखंड के बाद यूपी में भी लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या लगता है यूपी, उत्तराखंड और यूपी में कितनी सीटें आएगी भाजपा जनता पार्टी? उत्तराखंड और बड़ी सर, देवभूमि के बाद ऋषि मुनियों की धरती पर आए हैं, आपने आह्वान किया बड़ा, चार धाम यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं? चार धाम यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है और बड़ा उत्साह लोगों से है, सब लोग चार धाम यात्रा का पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं, और आज नई सबसे यात्रा और देश के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सीएम जो है बाहर आ रहे हैं, एक ऐतिहासिक दिन आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए आज का दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे, 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की।